बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी नदान इश्क की टीम को, और जैसे इन लोगों ने ट्रेलर में ही इस बात को रखा है कि ये एक फ्रेश स्टोरी है और कहानी जो है वो भोजपुरी में पहली बार ऐसे टीनेजर लव को लेकर के बनाए कोशिश की गई है। संत राम जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, योगेश कुमार जी इसके प्रोड्यूसर हैं और दो नए बच्चों को लेकर के इन्होंने फिल्म बनाई है, और किसी तरीके से ट्रेलर को देखने में ये कमी नहीं दिखी कि इन्होंने कोई किसी कसौटी पे भी कंप्रोमाइज़ किया हो, बेहतर लोकेशंस हैं, बेहतर शूटिंग किया है, और हर कलाकार जब पहला कदम रखता है तो लड़खड़ाते हुए रखता है, पर जब इंडस्ट्री का सहारा मिलता है, दर्शकों का प्यार मिलता है और टेक्नीशियंस बंधु जो उनके साथ वो काम करते हैं उनके एक्सपीरियंस और आप पत्रकारों की जब दुआएं मिलती हैं तो वो बड़ा होते जाता है और एक दिन सुपरस्टार बन जाता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दोनों के लिए कि ये ज़िंदगी में बहुत कामयाब हों, और संत राम जी ने इन दोनों को लेकर के जो कोशिश की है वो बहुत अच्छी है और फिल्म प्यारी बनी है। जो दर्शक इसके ट्रेलर्स को देखेंगे, इसके गानों को देखेंगे, उनके दिल में उम्मीद भी पलेगी कि फिल्म भी अच्छी होगी। आप लोग देखें और आशीर्वाद दें। सर, आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे हमारा ट्रेलर एंड गाना जो है रिलीज हो रहा है वो आप लोग देखने आए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो फिल्म में सब कुछ है, गाना मतलब रोमांस है, एक्शन है, कितना चुनौती था मतलब हर सीन को एक पर्फेक्ट तरीके से फिल्म आना? चुनौती तो ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हम कि हमारी मूवी नादान इश्क है और रोमांटिक मूवी है तो बहुत अच्छी मूवी है वैसे। इनके तरफ से मैं यही कहूँगा कि ये अभी खुद ही नादान है जी सर, और इनका इश्क कितना नादान होगा जी सर, और ऊपर से हीरोइन है इनकी, देखिए बिल्कुल लग रहे हैं जो कि बिल्कुल दो ब्लूमिंग बर्ड्स जिसको बोलते हैं कि जो खिलती हुई कलियां, तो खूबसूरत जोड़ी लग रही है। और जब पहली बार संत राम जी का डबिंग चल रहा था, मैं थिएटर में पहुंचा था, तो उसके कुछ इनके आप थे और आपके बड़े भाई थे इनके, तो मैंने देखा जब, और लड़की को देखने के साथ ही बोला कि तुम तो कमाल हो ही, तुमने ये खूबसूरत सी कहाँ से कली निकाल के रखा है, तो ये बहुत खूबसूरत लगी है सिनेमा में। और काम जो होता है वो एक्सपीरियंस ही आदमी को परफेक्ट करता है, और जब दुआएं आती है साथ में तो बहुत अच्छा होने लगता है, और मेरी सारी दुआएं हैं और आप लोग इनको ब्लेस्ड कीजिए, इनको दुआ दीजिए कि इनके साथ बहुत अच्छा, आशीष ना जी सर, आशीष बिल्कुल सबका आशीष पाएं और चमकते रहें। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा फिल्म में काम करने का और पहली फिल्म आपकी? हाँ, ये मेरी पहली मूवी है और हमें योगेश जी को मतलब सर को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इस मूवी में पहला ब्रेक दिया, और धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने डायरेक्टर सर को कि उन्होंने मुझे मतलब निर्देशन दिया सराहा इस मूवी के लिए, और पूरी टीम बहुत ही अच्छी थी जो साथ थी मेरे, और ये तो यही साथ हर हमेशा कुछ भी मतलब इनके साथ तो अभी साथ बन रहा है क्योंकि इश्क नादान है तो अभी तो साथ बनाया जा रहा है ना। तुम लोगों को कभी, मैं एक दो प्रश्न पूछूं क्या? अच्छा, अभी तुम लोग जैसे कि टीनेजर लव में हो तो इसको एज को ही बोलते हैं टेंडर एज, इसमें अक्सर अनुभूति प्रेम का होता है, और तुम लोग नादान इश्क को लेकर के एक सिनेमा कर रहे थे, तो कभी ऐसी एक दूसरे के प्रति फीलिंग आई क्या? सर एक्स्ट्रा था कि सर हम लोग पहले से बहुत अच्छे दोस्त हैं वैसे भी। मुझे तो मेरा ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ कमियां मुझे अपनी एक्टिंग में लगी जो मुझे लगता है कि मैं आगे मैं खुद सही करूँगा, और क्योंकि मुझे भोजपुरी इतनी अच्छी तरीके से आती नहीं है, कोशिश की मैंने कि मैं और अच्छा कर सकूं, और नेक्स्ट मूवी में भी मैं कोशिश करूंगा कि जैसे अब सभी लोग भोजपुरी अच्छे से बोलते हैं और मैं भी बोल के दिखाऊं सभी लोगों को। जी जी, और क्या कमी आपको नजर आई अपने अभिनय में? सर अब अपनी एक्टिंग कोई ऐसे तो नहीं कह सकता कि मेरी एक्टिंग बहुत ख़राब है, वो तो हमारे सीनियर लोग हैं वो लोग देखेंगे और वो लोग बताएंगे कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो जी। जैसे कि मुझे ऑन सेट भी काफ़ी लोगों ने बोला, जैसे कि अवधेश जी थे, हमारे पांडे सर थे और हमारे जेपी जी सर थे, बाकी सभी एक्टर्स ने मतलब मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और काफ़ी हेल्प की मेरी कि यानी आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं सो आप उसे क्लियर कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके कि मेरी मिस्टेक को क्लियर करवाते थे। बहुत हिम्मत है आप में कि अपनी गलती आपने कैमरे के सामने एक्सेप्ट की, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर। प्रीति, आप जरा बताओ अपना एक्सपीरियंस क्या था फिल्म शूट करने का? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था,
जो भी कमियां होती थी सब बताते थे, हाँ ये है वो है एक्सप्रेशन चेहरे का, वो भी मुझे भी दिखा, मेरी जो भी कमी थी एक्सप्रेशन नहीं थे थोड़ा बहुत वो भी था। हाँ पहली मूवी है जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया है, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को। आप लोग अभी तो आप लोगों की शुरुआत है, पहली ही फिल्म की है, हाँ। तो आगे आप लोग क्या करना चाहते हो, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आशीष अंप्रीति 10 साल बाद तो हम वहीं देखेंगे जहाँ अभी खेसारी जी हैं, काजल राघवानी जी हैं, वहीं हम भी देखना चाहेंगे। सर ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो लोग हमें 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं या फिर कहाँ दिखाने चाहते हैं, ये सब कुछ मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हम लोग काजल राघवानी जी के साथ साथ रहें या हमारे जो खेसारी लाल जी हैं या फिर और भी जो हमारे दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ, मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को, वो तो सब ऑडियंस के ऊपर है कि मुझे कहाँ पे वो लोग देखना चाहते हैं। आशीष इस फिल्म में आपकी पिटाई बहुत हुई है जी, हर सीन में आपकी बड़ी जबरदस्त धुलाई हुई है जी सर, तो कसम से कोई हड्डी हड्डी तो नहीं टूटी? नहीं सर हड्डियाँ तो नहीं टूटी, लेकिन जब पिटाई होती थी फिर आवाज आती थी, मैं देखता था यार कहाँ से क्या हो रहा है लेकिन ठीक है, अच्छा था, मजा आया काम करके। तो इस फिल्म में तो खाली पीटे, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि अगली फिल्म में पीटने का मौका मिले। बिल्कुल सर, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, बाकी स्टोरी के ऊपर आगे जो भी मैं मूवी करता हूँ वो, क्योंकि मेरी जो भी एज है मैं उसमें पीट नहीं सकता किसी को भी। अच्छा, क्योंकि मैं रोमांटिक मूवी कर सकता हूँ, इमोशनल कर सकता हूँ, बट मैं फाइट नहीं कर सकता जी। असल जिंदगी में कभी झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ? सर झगड़ा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी किसी को मारा पीटा? सर स्कूल टाइम में तो बहुत कुछ हुआ ऐसा, लेकिन ऐसा अभी कुछ यहाँ पे नहीं। अभी तो नहीं हुआ? नहीं सर। आपने ऐसा कुछ किया किसी की पिटाई धुलाई? नहीं अभी नहीं। क्यों? बस पढ़ना लिखना नॉर्मल ही था। अच्छा, वहाँ तक बात पहुँची नहीं पिटाई तक? नहीं। अगर फर्ज कीजिए आप जा रहे हो, आपकी कोई छेड़छाड़ करेगा पीटोगे नहीं जैसे? हाँ, वो तो बनता है पीटना, कोई छेड़ेगा? हाँ, पीटने से पीछे नहीं हटोगे आप? अब भाई कोई मुझे छेड़ेगा तो उसे तो पीटना पड़ेगा ही ना। प्यार से पीटना। कुछ कहना है ऑडियंस से आशीष? बिल्कुल सर, ये हमारी जो मूवी है नादानी स्कूल बहुत अच्छी मूवी है, और इसमें कुछ वल्गरिटी नहीं दिखा रखी है, बहुत अच्छी मूवी है और टीनेज है, तो सभी लोग आप लोग देखिएगा और पसंद करिएगा, और जैसे भी है रिव्यूज़ दीजिए हमें कि कैसी मूवी है कैसी नहीं। ये तो बता दो रिलीज़ कब होगी? सर ये हमारी मूवी अभी जैसे कि मुझे अभी पता है कि लास्ट नवंबर लास्ट में हो रही है 30 को। और दोनों जो नई जोड़ी है आशीष और प्रीति बहुत अच्छी है, और एक तो स्टोरी बहुत अच्छी है, ऐसे भोजपुरी में स्टोरी आई है और लव स्टोरी भी है, और लव स्टोरी तो काम करती है, ऐसे चलनी चाहिए ना, क्या बोलते हो? नहीं टीनेजर लव स्टोरी है। हाँ क्या बोलते हैं, उसमें कुछ नयापन है? हाँ बहुत अच्छा है, और मैं इनको दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि ये स्टोरी और ऐसी स्टोरी और हैं और ये लोग और आगे काम करें। जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं बेसिकली तो कुछ कई बार उस उम्र की यादें ताज़ा हो जाती हैं, राघव की कोई ऐसी याद ताज़ा हुई? बहुत हैं, कभी इंटरव्यू में आराम से बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे इसकी बात करते हैं ना। कोई लव स्टोरी, कोई लड़की बड़ी पसंद रही हो जिसे देख के कॉलेज में? अभी मेरी पिक्चर में ही हल्फा मचा गई गेल में, अब हल्फा मचा गई वो, क्या करें। अच्छा, अभी तो आपने नेपाल में भी हल्फा मचा दिया था? हाँ हल्फा मचा दिया हमने, हल्फा ही मचा रहे हैं अभी, क्या करें, उसी का खा रहा हूँ। आप भी कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले मेरी यानी कनक यादव की तरफ से मेरे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाली छठ पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने ट्रेलर देखा है, सबसे बड़ी बात मैं आज फिर वही बात बोलूँगी कि अब जो हमारी इंडस्ट्री में नए जनरेशन को जो एक्सेप्टेंस मिल रही है ये बहुत बड़ी बात है, और ये होना भी चाहिए, इसके लिए बहुत सराहना है कि लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, नए लोगों को चांस देते हैं, क्योंकि उन पर ट्रस्ट करना एक बहुत भरोसे वाली बात होती है। जो मेकर होता है वो जब फिल्म बनाता है तो उसको बहुत सारे रिस्क लगते हैं, हम लें ना लें, उस रिस्क को उठाने के बाद अगर वो फिल्म बनाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा मैंने ट्रेलर देखा तो नादान इश्क, तो ये कहते हैं ना कि हमारे जो पहले की जो फिल्में होती थी ओल्ड फिल्मों का जो एक जस और जो चस्का रहता था, जायका रहता था, वो इसमें दिखाई दे रहा है। बाकी आने वाली बहुत लंबी कड़ी है, देखते हैं और कहाँ तक जाएंगे। सर सबसे पहले मैं इस प्रोडक्शन के टीम को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, आर्टिस्ट को, सबको दिवाली के मंगल शुभकामना, छठ की शुभकामना, आज भाई दूज की शुभकामना, और साथ साथ आप लोगों को भी शुभकामना। मेरा जयप्रकाश सिंह का आप सब लोगों को नमस्कार, आशीर्वाद यथा योग्य। तो जैसे आपने पूछा, इसमें मैं हीरो का फादर कर रहा हूँ, और मैं इस राइटर को धन्यवाद दूंगा कि उसने
एक ट्रेंगल स्टोरी बनाई है। इसमें अवधेश जी और संजय जी दोनों सगे भाई हैं और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और मैं दोनों के ट्रेंगल में हूँ। हीरो का बाप हूँ, हीरोइन के बाप हैं अवधेश जी, तो आप जैसा कि फिल्म में देखा है आपने, मैं अछूत जाति से हूँ, वो ठाकुर और बड़े धनाढ्य लोग हैं, संपन्न लोग हैं जिनका रुतबा है, उनके सामने मैं बिल्कुल जीरो के समान हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि भाई अपनी जो एक्टिंग है हम अच्छे से करें, किए हैं, अब ऑडियंस को जैसा लगे। और हमारे इस डायरेक्टर साहब संतराम जी को और योगेश कुमार प्रोड्यूसर जी को और हमारे इसमें खास भूमिका निभाने वाले अरविंद सिंह जी जो पूरी टीम को एक साथ लेकर के पूरी शूटिंग करवाई, सबको सहर्ष धन्यवाद। वो भी हो सकता है, नादान इश्कबा एक अच्छी प्रयास है और इसके लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद, क्योंकि नई जनरेशन को लेकर आ रहे हैं भोजपुरी में और ये अच्छा प्रयास है। ये हर मतलब कोई अच्छा ही आदमी, दिल से मजबूत आदमी ही कर सकता है, क्योंकि ये होना भी ज़रूरी है। मैं यही चाहता हूँ कि नए नए लड़के, नए नए हीरो, नए हीरोइन आए और उसके साथ तो म्यूज़िक ही और कंसेप्ट चलता है, तो म्यूज़िक हमारे बाबा हिट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और इनकी म्यूज़िक तो मैं देखा बहुत अच्छा था, ट्रेलर भी बहुत अच्छा था और इसके लिए मैं सारे टीम को शुभकामना देना चाहता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी चले। एक्चुअली रजनीश भैया मेरे सीनियर हैं तो उनको धन्यवाद दूंगा मैं, और एक्चुअली मैं बड़ा कुछ नहीं कर रहा हूँ, उनका दिल बड़ा है कि उन्होंने इस तरीके का वाक्य बोला है। तो बाकी हमारा काम है, हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियाँ सौंपी जाती है उसको लेकर हम लोग बहुत तत्परता से काम करते हैं, बहुत मेहनत से, लगन से, अपने हिसाब से। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया आप लोग, बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी, ठीक है ना, तो खुश तो बहुत होंगे यार। जी जी, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और रजनीश जी, रितेश जी और अपने छोटे भाई जो इतने महान हस्ती लोग हमारी तारीफ किए, इसके लिए 100% खुशी होगी। नए कलाकारों से काम करवाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बेसिकली बच्चों से काम करवाना, सुपरस्टार थोड़ा ज्यादा टेक्निकली समझता है। जी जी। तो ये मुश्किलात से कैसे आपने पार पाए आप और कैसे आप शूट किया आपने? जी जी, ये एकदम सही बोल रहे हैं, नए लोगों के साथ काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कलाकार जिसके अंदर अगर थोड़ा सा बर्निंग हो या चिंगारी हो तो मैं आग लगा सकता हूँ, इस तरह से हमने उनको कोशिश की है। और काफ़ी लोगों को, जैसे मैंने स्मृति सिन्हा को पहला ब्रेक दिया था मैंने शादी ब्याह में, तो उसके अंदर एक काबिलियत थी तो उसको हमने हल्का सा पुशअप किया और वो देखो आज कहाँ पे पहुँच। सर, आप क्या कहेंगे इस फिल्म के? नवोदित कलाकार हैं और काफ़ी मतलब फिल्म में जान है, गाने अच्छे हैं, सब कुछ, क्या कहना? ये तो जो है, सबसे पहले तो मैं जो है जितने भी जो है यहाँ पे मीडियाकर्मी लोग आए हुए हैं मैं उन्हें दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो जो है अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और उसके बाद जो है मैं देश की सभी जनता को जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं मैं उन्हें जो है धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। और रही फिल्म की बात, तो फिल्म तो जो है जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी ट्रेलर भी देखा, फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है और हमने जो है इन दो बच्चों को लेकर जो है काफ़ी अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है और आगे भी जो है हम ऐसा करते रहेंगे जिससे कि मतलब कि जो है नए बच्चों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। आशीष के बारे में प्रीतिकरण क्या कहना चाहेंगे? दोनों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा काम किया है और दोनों ने पूरा एफर्ट लगाया है और बाकी तो दर्शक के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो हमें कैसा रिस्पॉन्स देती हैं। और ये बच्चों ने जिस तरह से मेहनत किया है और पूरी टीम के साथ एकजुटता बनाते हुए अच्छा काम किया है, इसके लिए स्पेशल थैंक्स मेरे प्रोड्यूसर योगेश जी के लिए, संत राम जी के लिए और पूरी इंटायर टीम, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है उसके लिए, और आप लोगों के लिए भी कि आप लोग आए और ये जो हमारा लंच हुआ है अभी और सबने इतना अच्छा साथ दिया, इसके लिए थैंक्स। की तरफ से सबको हैप्पी दिवाली और ये मूवी सुपर्ब मेरे लिए, एटलीस्ट मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन भोजपुरी में, तो काफ़ी अच्छा था और जो मैंने पोस्टर देखा वो भी काफ़ी अच्छा था और इनकी फर्स्ट मूवी थी तो सुपर्ब एक्टिंग की है दोनों ने, तो ब्लेसिंग है मेरी तरफ से कि दोनों आगे बढ़े इसी तरह। सर, आप क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म से जो है, इसमें जो हमारे न्यू कमर हैं प्रीति जी ने और आशीष जी ने बहुत अच्छा काम किया, इतना धूप होता था मेहनत में फिर भी दोनों लगे रहते थे और एक न्यू कंटेंट था टीनेजर लव स्टोरी, तो मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा योगेश जी को और हमारे निर्देशक जी को जो टीनेजर लव स्टोरी के लिए इतना रिस्क लिए, और भगवान चाहेगा सब कुछ बेस्ट होगा, अच्छा होगा, मेहनत की गई, अच्छा बनाया गया है, अब देखते हैं, दर्शकों के ऊपर छोड़ा गया है, उम्मीद करते हैं कि सबको पसंद आएगी।